जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंग है कि कोई दूसरा आदमी आपको गाली गुलज कर रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, तो आप उसको कैसे सामना कर पाएंगे। अपर अपमानजनक व्यवहार रे निर्विवाद रे हजम करिवा किपरि संभव से श्री ठाकुर कहते। भक्त जीए ता जीवन रे एकमात्र उद्देश्य हला इष्ट को खुशी करिवा, तांगा स्वार्थ और प्रतिष्ठा को बजाय रखी चलिवा, निजर और अपरर अमंगलर पथ संकीर्ण करी मंगलर पथ प्रशस्त करी चलिवा। एही बुद्धि जाकु काबू करिवे से अहंकार अभिमान बा आक्रोश निकट से कदापि भी आत्मसमर्पण करेना। से भावे प्रभुत्व मोर अनुसरणीय जे माने बुझंतिनी से माने तो भूल करंती ही, किंतु ठाकुरंग दयारु जेतेबेले मु कोउटा भल कोउटा मंद ता बुझे, सेतेबेले मु खराब व्यवहार प्रत्युत्तर रे खराब व्यवहार करिया को जाई काही कि निज को लुजर बा क्षतिर भागी करिबी। सेटा ही हैला बेकुबी अशिक्षा बा कुशिक्षार चिन्ह। प्रॉफिटेबल रन इन एवरी स्टेप दे आर पिप्स एजुकेशन। प्रति पदक्षेप रे लाभजनक चलन जेउठी सेठी शिक्षा उंकी मारे। मोर लाभ हैला अपर क्षति हैला सेथरे किंतु मोर ठीक ठीक लाभ हैला नहीं। परिवेश को क्षतिग्रस्त करले से क्षति मते दिने ना दिने आक्रमण करिव ही। मु जदि रिहाई पाए मोर भविष्य वंशधर माने हुए तो रिहाई पाइबेनी। आउ स्थूलतः मु क्षतिग्रस्त नहले भी मोर मस्तिष्क और अभ्यास व्यवहार से ही आचरण फल ब्लंडरिंग बेंट बा भांति प्रवण बांक नेबे ही। आर्थिक क्षति ठारु ए क्षति भीषणतर क्षति। मनीष चिंता करे ना, तेणु अषाढ़ अपकर्षर आराधना करी चाले। आलोचना प्रसंग 11 खंड 18/4/1948 संगृहीत। जय गुरु।